नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अवनीत सिंह और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल एविसिम फिटनेस में। गाइस, आज मैं आपके लिए टेस्ट टेस्ट वीडियो लाया हूं लीचीक न्यूट्रिशन के अमीनो गो की। गाइस, ये एक ब्रांच चेन अमीनो एसिड फार्मूला है जिसमें आपको कैफीन के कंटेंट्स भी मिल जाते हैं। आप इसे एज अ प्री वर्कआउट या फिर इंट्रा वर्कआउट यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बढ़िया आपको रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। गाइस, इस प्रोडक्ट का इंडिविजुअल रिव्यू ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ, इसकी अनबॉक्सिंग भी ऑलरेडी मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल चुका हूँ। अगर आप एक डिटेल्ड रिव्यू देखना चाहते हैं इस प्रोडक्ट का तो मेरा यूट्यूब चैनल चेकआउट कर सकते हैं। सो गाइस, आज हम इसका टेस्ट टेस्ट करेंगे, तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। एक शेकर में मैंने 200 ml वाटर ले लिया है और हम इसका एक सर्विंग जो है 6.7 ग्राम का उसको ऐड करेंगे। आपके सामने 30 servings का ऑरेंज फ्लेवर का स्मॉल टब पड़ा है, तो चलिए गाइस इसको मिक्स करते हैं, देखते हैं इसकी मिक्सिबिलिटी और फिर इसका टेस्ट टेस्ट करेंगे। सो गाइस, आप इस प्रोडक्ट का टेक्सचर देख सकते हैं, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी थिन मटेरियल है प्रोडक्ट का और जितना थिन होता है काफ़ी आसानी से मिक्स हो जाता है। एंड गाइस, मैं आपको बता दूं ये ऑरेंज फ्लेवर और इसकी स्मेल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी बढ़िया स्मेल आ रही है ऑरेंज फ्लेवर की जैसे मैंने टब ओपन किया है। तो चलिए गाइस, हम इस जो इसकी एक सर्विंग है इसको 200 ml वाटर में मिक्स करते हैं। सो गाइस, आप देखिएगा इसकी मैं एक सर्विंग मिक्स करने जा रहा हूँ और इसकी मिक्सिबिलिटी को देखने के लिए, इसकी मिक्सिबिलिटी किस प्रकार है उसके लिए आप वाटर में ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से ये मिक्स होता है। ये देख सकते हैं आप, 6.7 ग्राम का एक स्कूप है और इसको मैं डालने जा रहा हूँ, आप देख सकते हैं वाटर में, और इसकी मिक्सिबिलिटी देखिएगा वाटर में कितनी जल्दी मिक्स होता है। सो गाइस, मैंने एक सर्विंग जो है इसकी मिक्स कर दी है और आप देख सकते हैं मिक्स होने के बाद ये कुछ इस प्रकार लग रहा है, यानी प्रॉपरली मिक्स अपने आप नहीं हुआ है। चलिए मैं इसको शेक करके दिखाता हूँ आपको किस प्रकार इसकी मिक्सिबिलिटी है। सो गाइस, इसको मैंने मिक्स कर दिया है और इसका जो कलर है कुछ इस प्रकार आया है। बेसिकली ऑन अमीनो एनर्जी का मैंने टेस्ट टेस्ट वीडियो डाला था, अगर आपने चेक किया हो उसका, गाइस ऑरेंज कलर जो है प्योर और डार्क ऑरेंज कलर का आता है, तो उससे साफ पता चलता है कि आर्टिफिशियल फ्लेवर्स या आर्टिफिशियल कलर यूज़ किया गया है इस प्रोडक्ट का। गाइस, कुछ कलर नहीं आया है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा लग रहा है ऑरेंज फ्लेवर। चलिए मैं इसको ग्लास में डाल के आपको दिखाता हूँ किस प्रकार लग रहा है ये। सो गाइस, आप देख सकते हैं कि इसका जो बेसिकली टेक्सचर आप कह सकते हैं, कलर जो है बिल्कुल ऐसे आया है जैसे शिकंजी का कलर होता है। सो गाइस, अब मैं इसको टेस्ट करके आपको बताता हूँ कि इसका टेस्ट किस प्रकार है और कितनी एनर्जी ये प्रोवाइड कर रहा है। सो गाइज, मैंने इसका एक सिप लिया है और गाइज इसका टेस्ट जो है बहुत ही बढ़िया है, बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लेवर जो है यूज़ नहीं किया गया है और बहुत ही रिफ्रेशिंग टेस्ट है। मैंने एक टेस्ट टेस्ट वीडियो डाली थी डायमेटाइज के अमीनो गो की, बिल्कुल गाइज मैं कहूँगा कि वैसा ही टेस्ट है इस प्रोडक्ट का भी, बिल्कुल रिफ्रेशिंग टेस्ट है। एंड गाइज, ये प्रोडक्ट जो है इस तरह के ब्रांड्स जो हैं बहुत ही अंडरडॉग ब्रांड्स हैं यूएसए के, एंड इंडिया में तो बिल्कुल भी लोग नहीं जानते इन प्रोडक्ट्स को। सो गाइज, ये टेस्ट बहुत ही बढ़िया है इस प्रोडक्ट का और मैं आपको बता दूं गाइस कि इसने जो अभी मेरे को 2 sip में ही काफ़ी एक रिफ्रेशिंग आप कह सकते हैं टेस्ट भी दिया है और साथ में एनर्जी भी प्रोवाइड की है, तो डेफिनेटली ये इंट्रा वर्कआउट काफ़ी बढ़िया रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सकता है। सो गाइस, इस टेस्ट टेस्ट वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की टेस्ट टेस्ट वीडियोस, अनबॉक्सिंग वीडियोस, सप्लीमेंट रिव्यूज और कंपैरिजन वीडियोस अपने चैनल के माध्यम से आप सबके लिए लाता रहूंगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट टाइम।